चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट में इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे 27 नवंबर तक के लिए अब टाल दिया है। जी, आपको बता दें कि इसका मतलब ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनकी जमानत याचिका पर अब छठ के बाद ही सुनवाई होगी। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में जेल में बंद लालू यादव की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए और वक्त की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसे 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया। तो वहीं दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव आधी सजा भी काट चुके हैं। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसकी सुनवाई कोर्ट ने स्थगित कर दी है। माना जा रहा था कि हाईकोर्ट अगर लालू को जमानत दे देता है तो राजद के अध्यक्ष का बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।